आज हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता क्या है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एंटीसेप्टिक होता क्या है। एंटीसेप्टिक जो होता है, एक एजेंट होता है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और प्रिवेंट और उसे बचाता है। किसको? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी ग्रोथ से या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है कौन? एंटीसेप्टिक। जब क्या करता है, एंटीसेप्टिक किसी घाव पे या फिर किसी बॉडी लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है तो वो इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है आपका? एंटीसेप्टिक कहलाता है। बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होते क्या हैं? डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट दैट किल, ये क्या करते हैं, किल करते हैं वेजिटेटिव बैक्टीरिया को। जो हमारे वेजिटेटिव बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट मारने का काम करता है वेजिटेटिव बैक्टीरिया को, बट नॉट नेसेसरी स्पोर्स। लेकिन उनके जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया को, उनको मारने का काम नहीं करता है, ये क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोसाइट्स कि बैक्टीरियोसाइट्स होते क्या हैं। बैक्टीरियोसाइट्स जो एजेंट विच किल बैक्टीरिया, जो केमिकल एजेंट बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं वो बैक्टीरिसाइड्स कहलाते हैं, कॉल्ड बैक्टीरिसाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियोस्टेटिक्स दोज एजेंट विच प्रिवेंट, जो केमिकल एजेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ से बचाने का काम करते हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाते हैं। Those agent which prevent the growth of the bacteria, जो एजेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ से बचाने का काम करते हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक्स कहलाते हैं। और दो एजेंट विच किल द बैक्टीरिया, जो एजेंट किल करते हैं बैक्टीरिया को, वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोसाइट्स कहलाते हैं। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फर्स्ट फिनोल एंड रिलेटेड कंपाउंड, फिनोल्स
एग्जांपल होंगे इसमें फिनोल और डिसोल, लिक्विड फिनोल और डिसोल, क्लोरोक्रेजोल क्लोरोफिल, सेकंड है इसमें अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड, में जो होंगे आपके एथेनॉल होगा, थर्ड हो जो होगा आपका एल्डिहाइड, इसमें एग्जांपल होगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड फोर जो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपका एग्जांपल होगा बेंजोइक एसिड, फिफ्थ जो होगा आपका हेलोफॉर्स, हेलोफॉर्स इसके एग्जांपल होंगे आयोडो, आयोडोफॉर्म और पायोडीन आयोडीन। फिर इसमें सिक्स होगा हैवी मेटल्स, उनके एग्जांपल होंगे सिल्वर, प्रोटीन, और नेक्स्ट जो होगा डाइस, एग्जांपल प्रोफ्लेविन, प्रोफ्लेविन। तो नेक्स्ट जो होगा आपका क्वार्टरनरी, अमोनियम, कंपाउंड। इसके एग्जांपल जो होंगे आपके क्लोराइड होंगे, बेंजल, अमोनियम, क्लोराइड। और सिट्रामाइड। ये आपके क्या होंगे सब एक क्लासिफिकेशन।